नरकटियागंज नगर परिषद कार्यालय के सभागार में गुरुवार की दोपहर शहर के सब्जी विक्रेताओं के साथ नगर के अधिकारियों ने बैठक किया। इस दौरान सब्जी मंडी को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए सब्जी विक्रेताओं को दो दिन का अल्टीमेटम की नगर की ओर से दिया गया। बैठक के दौरान सब्जी विक्रेताओं से कार्यपालक पदाधिकारी आमिर सुहेल ने कहा कि नगर की सब्जी मंडी का दुकान सड़क पर ही लगती है, इसको लेकर उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिस पर विभाग से आदेश है कि सब्जी मंडी को शहर में कहीं और खाली भूखंड पर शिफ्ट कर दिया जाए। इन्होंने सब्जी विक्रेताओं से कहा कि शहर में कहीं भी खाली भूखंड हो तो इसकी सूचना दे, ताकि सब्जी मंडी को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करके सुव्यवस्थित कर दिया जाए। शहर में जिस जगह पर सब्जी मंडी लगती है वहाँ पर अस्थायी तौर पर सब्जी की दुकानें हैं। वहीं इस संबंध में बताया जाता है कि रेलवे की भूमि की जमीन पर सब्जी मंडी की अधिकांश दुकानें स्थित है। हालांकि बैठक के दौरान कुछ दुकानदारों ने प्रस्ताव भी दिया कि सब्जी की दुकान एवं मंडी शहीद बैजनाथ प्रसाद धर्मशाला के नाम से आवंटित भूमि के खाली भूखंड पर स्थानांतरित कर दिया जाए, जिस पर अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया आप लोग भी जगह का चयन करें। नगर परिषद में किस लिए आए हैं? हम आए जो बाजार उजार अभियान हो रहा है उसी के अभियान में हम लोग आए हैं, रोजी रोटी उसी से चलते हैं, बाप दादा उसी से गुजरे हुए हैं, इसीलिए लड़े आए हैं यहाँ पर नगर परिषद में। उजाला थोड़ी गया है, आपको आदेश दिया गया, किनके द्वारा आदेश दिया गया? मैंने नगर परिषद का गए हम वहाँ पर आदेश का नगर परिषद में रउआ लोग आइल बानी का काम बा कौना कारण से आइल बानी? के भेजा था टे बेतिया राज के जमीन में रुवालो इनके बहुत आलो कि बेतिया राज में जइया लनी खाली हो जाई तो पुलिस वजन कौन जगह भेजा था चलो के भेजा था रुवालो इनके कोई जी का लोग कहत लग अब जइया लनी अथी में अच्छा या राज के जमीन ओई से रुवालो इन आइल बनी नगर परिषद में यहाँ अनि लोग का भैल कोनो काम भैल रुवालो इनके बहुत आलो के स्कूटी पर यहाँ नगर परिषद में आई है, क्या क्या वजह है कि आपको यहाँ आना पड़ा? हम लोग तो कहाँ छीने का लोग, हम लोग बात करते कहाँ छीने का, कहाँ लेके जाएं, कहाँ कहने जाएं सब? बड़ी बात है। नगर परिषद में बहुत बहुत स्वागत है, सभी जितने भी निवेदक आप लोग सब लोग आए हैं। इस चीज से तो जरूर इनका तो प्रतीत होता है कि आप लोग सब लोग बड़े समझदार और सब कर रहे हैं, ठीक है, और किसी भी चीज के लिए आप लोग समाधान के लिए हम लोग भी जानते हैं कि आप लोग सब लोग जितने भी विभिन्न प्रकार के जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को पहले तो हम लोग किस लिए आज बुलाए हैं इस चीज़ को आप लोग को बता देते हैं, आप लोगों का फिर विचार हम लोग जान लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष है, क्या इसको जिला प्रशासन का, डीएम साहब का, एसडीओ साहब का, हाई कोर्ट का, या लोगों का क्या इसमें विचार है उसी